हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो न्यू ईयर के साथ साथ हमने नया कैमरा भी लगा लिया है। कैमरा ख़राब हो गया था, आप सबको पता होगा, इसलिए मैंने ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहा था रेगुलरली। तो अभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, वी आर डन विथ इट। एंड न्यू ईयर का पहला ब्लॉग है, मतलब नए साल का ये पहला ब्लॉग है, तो अच्छे से इसको स्टार्ट करेंगे। आज एकादशी है मेरी तरफ से, और आप मेरी परिवार की तरफ से आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ पे रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो दूर दूर से लोग वहाँ पे आके अच्छे से भगवान बालाजी के अच्छे से पैर पड़ते हैं, अच्छे से, आई डोंट नो अंदर कौन से भगवान है, सब है वहाँ पे सब, हाँ, तो आके ब्लेसिंग्स लेते हैं, अपना न्यू ईयर अच्छे से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन होता है वहाँ पे। इंटीरियर अगर आप देखोगे, जो डेकोरेशन होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैं वही एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूँ। अगर आप हैदराबाद से बाहर, कोई भी हैदराबाद के बाहर से कोई देख रहा है, तो डेफिनेटली देख लेना, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम भी चलते हैं। वैसे तो हमारा न्यू ईयर फर्स्ट उगादि को स्टार्ट होता है, बट आज एकादशी है, तो वी विल गो फॉर आवर टेम्पल, लेट्स केवड़ी देर आला। मतलब खाली ऑटो सर्विस, एलपीजी पेट्रोल पंप। लकीली यहाँ भी अभी कोई नहीं है, वरना पूरी लाइन भर जाती थी पूरे। बहुत अभी नहीं, मतलब इवनिंग में आओगे तो देखोगे बहुत बहुत ज़्यादा लाइन, हलने की भी जगह नहीं रहती। वी आर फ्री, चल रहे हैं। हाथा दर बल्लो की रहा काड़े, आप तीन भी फोटो काड़े। Thank you.
वाले मेरा फिर बोला आपके तो उधर होते इनको ना 15 दशम में तो अगर मारवाने देवाड़ी की दाते थे Daily chant this mantra. Okay, so you'll become peaceful. Just repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Please keep chanting it every day. Okay. Thank you. Thank you. You can also take one. चैंट करा डेली है ना मंत्र हाँ का मंत्र चैंट करा बोला है फाइनली जाके दर्शन कर लिए आई होप यू एंजॉयड आई होप आप लोगों ने देखी होगी और वहाँ पे जाते ही पता नहीं सडनली मेरे सामने ये बुक आ गई जिसको मैं बहुत पहले से ख़रीदना चाहता था बट घर में है बट वो संस्कृत में है संस्कृत अपने को प्रोनाउंस होता है तो समझ में नहीं आता है तो ऐसा सीन था सो आज की जनरेशन इंग्लिश प्रेफर करती है तो मैं भी इंग्लिश ही प्रेफर कर रहा हूँ ये भी इंग्लिश ही है ज्ञान इंग्लिश हो या हिंदी हो ज्ञान तो ज्ञान होता है तो मैंने ये ले ली और उनके साथ साथ ये भी कार्ड दिया गया है तो आप भी इस मंत्रा को ट्राई करो कि चांट कर सको तो यस और जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा या मेरे ब्लॉग की शुरुआत होगी तो मैं इस बुक में से कुछ ना कुछ पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगा समझाने का ट्राई करूँगा तो मज़ा आएगा देखते हैं इस तरह से मुझे भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपको भी देखने में मज़ा आएगा आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा तो इनडायरेक्टली आप भी एक भगवद गीता पढ़ रहे हो ऐसा समझ सकते हो मेरे ब्लॉग्स देख के तो इसमें से कुछ ना कुछ एक लाइन दो लाइन या 10 लाइन या एक वर्स दो वर्स एक चैप्टर मैं जितना हो सकता है उतना समझाने का कोशिश करूँगा मेरे हर ब्लॉग में ठीक है तो अभी चलते हैं और इसको संभाल के रखते हैं थोड़ा इसको भी कवर अप करके रख लेते हैं अपन कल से स्टार्ट करेंगे एक टाइप से न्यू ईयर रेजोल्यूशन समझ लो मेरा 2-3 चीज़ें करनी है इस साल चार चीज़ें कंप्लीट करनी है मेरा टारगेट है लेट्स बिगिन आई होप आपको एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड नेक्स्ट व्लॉग मराठी में होगा पूरा व्लॉग तो
थोड़ी बहुत हो सके तो सीख लेना, ठीक है। तो यस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, टेक केयर।